नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो सिंहासन। मैं हूं विकास शर्मा। सिंहासन का कारवां पहुंचा है राजधानी लखनऊ में, नवाबों की नगरी। 5 साल में कितना विकास का काम हुआ है लखनऊ में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर रही है, जाम की स्थिति को लेकर रही है। हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, यहाँ की जनता है, उनसे भी मुखातिब होंगे। संजीव मिश्रा साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है संजीव मिश्रा जी आपका। राकेश त्रिपाठी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अंशु अवस्थी साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, इनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। मोहम्मद साहब जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरएलडी से, स्वागत है आरिफ जी। यतीश्वर चंद्र जी हमारे साथ दलित नेता हैं, स्वागत है आप सभी का। संजीव मिश्रा साहब, क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा जाम की दिक्कत बनी रही राजधानी लखनऊ में? क्यों नहीं जाम को लेकर सूरत बदली? क्यों क्राइम का ग्राफ यहाँ तेजी से बढ़ा? जी पहला प्रश्न ये है कि क्यों जाम लगता है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में जाम लगता है तो उसका सबसे बड़ा अगर काम किया तो मेट्रो लगाने बनाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। मैं जाम का सवाल पूछ रहा हूं। हाँ वही बता रहा हूं, इस मेट्रो से ही जो बड़े पैमाने पर गाड़ियां चल रही हैं हम सब लोगों को पता है कि उनमें कमी आएगी और लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो से पूरे सुरक्षा से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। नहीं, जहां मेट्रो नहीं है वहां क्यों जाम लगता है? मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उत्तर, चूंकि लखनऊ की बात हो रही है तो लखनऊ भर में इस मेट्रो को फैलाया जाएगा जिससे ये जाम की व्यवस्था ठीक हो सके। जाम जी निश्चित रूप से, चूंकि टेढ़ी पुलिया तक पहुंचने का तो अभी है और जितने भी और डेवलपमेंट होगा उस तक भी हम पहुंचेंगे मेट्रो के माध्यम से। कितने साल चाहिए जाम को खत्म करने के लिए? देखिए फरवरी में चारबाग से अमौसी तक का जो सफर है वो आसान हम करने जा रहे हैं, ये पूरे लखनऊ की जनता को मालूम है। और जितनी जल्दी काम हुआ है इतनी जल्दी मेट्रो का काम लखनऊ में। जाम का सवाल पूछता हूँ, आप मेट्रो पे आ जाते हैं इसीलिए क्योंकि ये एक सबसे मेयर तो आप इम्पोर्टेंट चीज है जिससे जाम हटेगा। ये सरकार केवल दाम कमाने में लगी रही है, इसको न जाम से मायने रखते हैं न व्यक्तिगत लोग के हितों से मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जब भी आप इनसे चर्चा करेंगे तो इनकी सारी चर्चा केवल लखनऊ केंद्रित होती है। अरे जाम केवल लखनऊ में नहीं है, जाम से त्रस्त गोरखपुर है, जाम से त्रस्त इलाहाबाद है, जाम से त्रस्त कानपुर है, जाम से त्रस्त आपका गाजियाबाद है। आप उत्तर प्रदेश का जब समग्र विश्लेषण करेंगे तो उत्तर प्रदेश जाम ही जाम है क्योंकि ये जाम छलकाने में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी की सरकार शाम के समय होते ही जाम पीने में व्यस्त हो जाती है इसलिए आज जाम लगा हुआ है। और अच्छा, बनारस में जाम क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश बनारस को तो आप मुझे लगता है बना रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है और राज्य के अधिकारियों को जानकारी होगी। परिवहन की व्यवस्था प्रधानमंत्री सरकार के अंदर होती है। उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था में चौपट है, जिस तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। ढाई साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए केंद्र में, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, 71 और 2 73 उत्तर प्रदेश ने सांसद दिए हैं आपको। और बनारस को क्योटो बनाने वाले और गंगा जी ने जिनको बुलाया तो विदेशों में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पहले आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं मिला? संजीव जी मेरा सवाल था कि क्या 5 साल कम थे क्या आपके लिए जाम हटाने के लिए? देखिए 5 साल में जो हमने डेवलपमेंट किए हैं, मैं जाम जो की बात विकास कर रहा हूं। के काम किए हैं की उस आधार पर जहां पर ब्रिज बनाने का काम हुआ तो समाजवादी सरकार और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूं जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं इन्होंने कौन सा डेवलपमेंट किया? ये 100 दिन में महंगाई कम करने वाले भी लोग हैं, इनसे ये भी पूछिएगा। अंशु जी ये कैसा गठबंधन है कि एक ही सीट पे आप ही के पार्टी खड़े हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर भी खड़े हो जाते हैं? ये समझ में नहीं आया लोगों को। कई जगह लखनऊ मध्य है, कानपुर में 2 जगह, महाराजपुर और कैंट में। नहीं, कानपुर में वापस हो गया। देखिए कुछ बहुत सारी वापस तो चुनाव तो लड़ेंगे ही ना। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे गठबंधन आप देखें कि जिस तरीके से बिल्कुल अंतिम क्षण में हुआ, टूटने की कगार पे था, तो वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सिंबल दिए जा चुके थे, वो लोग अब वापस कर रहे हैं। और जहां पे सिंबल वापस नहीं हो सकते, जहां पे नामांकन की अंतिम तिथि निकल चुकी है, वहां पे उन प्रत्याशियों को कहा गया है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ घूमे। सामंजस्य नहीं था क्या? नहीं, ये चूंकि अंतिम क्षण में इस तरीके का निर्णय हुआ तो समय नहीं बचा था कि नामांकन वापस लिया जा सके। नामांकन की अंतिम तिथि निकल चुकी थी, उनको स्पष्ट निर्देश है कि जहां पे ऐसा है वहां कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो सपा के साथ घूमेगा और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस के साथ घूमेगा।
यहाँ 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 पर अभिषेक जी के नामांकन में अभिषेक जी के नामांकन में कांग्रेस का कोई भी नेता कार्यकर्ता मौजूद ही नहीं था। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद ही जा रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी के चुनाव में, खुद ही जा रहा हूँ। मैं उत्तर में मैं बात कर रहा हूँ नामांकन की, जो आप कह रहे हैं कि नामांकन नामांकन में भी थे, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि जो चर्चित चेहरे हैं उनको आप ढूंढ रहे हो, वो ना मिले हो अलग बात है, लेकिन बराबर हर जगह सामंजस्य, एक गाड़ी घूमती जबरदस्त सामंजस्य है। यूपी को ये साथ पसंद है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पसंद है और लखनऊ के लोगों को भी ये साथ पसंद है। अच्छा, एक गाड़ी घूमती थी जिसमें लिखा रहता था 27 साल यूपी बयान, वो दिख नहीं रही आजकल। हो सकता है कि चुनावी रणनीति का हिस्सा हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को और मीडिया को नहीं बताई जा सकती हैं, बताई जाती हैं चुनावी रणनीति के तहत बहुत सारे नारा बता देते हैं, उसके बाद आप नहीं कुछ हो सकता है। ये भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा हो। जी आरिफ मोहम्मद साहब, चूंकि किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन अगर मैं लखनऊ की बात करूं, राजधानी है, यहाँ पर जो हम समस्याओं के जिक्र करते हैं, जल भराव की दिक्कत की बात करते हैं, जाम की समस्या की बात करते हैं, क्या सरकार फेल रही 5 साल तक? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार 5 साल बिल्कुल फेल रही है, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो, चाहे लखनऊ जाम का मुद्दा रहा हो, या उत्तर प्रदेश में और भी जिलों में कहीं जाम का मामला रहा हो। चलिए, आज आप कह रहे हो कि हमने मेट्रो बना दिया, लखनऊ का जाम हट जाएगा, और दूसरी जगह मोहल्लों में आप चले आइए, निषादगंज है, अलीगंज है, महानगर है, वहाँ आप क्या करेंगे? इसी मेट्रो को वहाँ भी शिफ्ट करते रहेंगे क्या? ये जाम की समस्या यहाँ पर नहीं ख़त्म हो सकती है, और न इस सरकार ने प्रयास किया यहाँ पर। अब रहा सवाल गन्ना किसानों के लिए या किसानों की समस्याओं के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। राष्ट्रीय लोक दल बराबर जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन संघर्ष करता रहा है, और संघर्ष के नाते जब हम लोग जाकर के केंद्र कमिश्नर के घेराव में हम गए, तब जाकर के किसानों के लिए इन्होंने एक समर्थन मूल्य वो भी थोड़ा बहुत बढ़ाने का काम किया है। तो ये किसान विरोधी सरकार उत्तर प्रदेश की रही है, और केंद्र की भी सरकार किसान विरोधी रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग विकास की उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं, आपके नेता हर सरकार में रहे, मंत्री भी रहे, तो दूर कर देते दिक्कत। देखिए, हमने किसानों के तो हवाई जहाज से चलते जी, जी मैंने किसानों के मामले में समझौता किया है। वाजपेयी जी की सरकार में चौधरी साहब जब मंत्री रहे, जब किसानों के लोन की माफी की बात आई और कांग्रेस वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने, उस वक्त चौधरी साहब ने, भाजपा ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया और किसानों का नहीं माफ किया, तब चौधरी साहब ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठोकर मार दिया था। तो हम किसानों के मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल का स्पष्ट रहता है कि हम अगर किसानों की समस्याओं को लेकर के आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, नहीं तो हम विरोध में आपके रहेंगे। 5 साल में सूरत लखनऊ की नहीं बदली, जस की तस रही, काम बहुत गिनाए गए, मेट्रो का काम है, मेट्रो चल नहीं रही है, कोई मुझे नहीं लगता है दिख रहा है सफर करते हुए। लखनऊ आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना, वो भी आधा अधूरा, कहीं भी आपको साइन बोर्ड नहीं नजर आएंगे। ऐसे ही सवाल है कि जब यहाँ भर्तियां की गई तो वो भी आधी अधूरी, ये काम क्या आधा अधूरा हुआ है सरकार में? समाजवादी सरकार जब से बनी है तब से 3.5 वर्ष तक कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ परिवारवाद अपने नेता, उसके बाद काम किया आप मानते हैं? उसके बाद 1.5 साल बाद जब इन्हें लगा चुनाव आने वाला है तो इन्होंने मोदी जी से प्रचार करना सीख लिया, काम बोलता है। आज तक एक भी कार्य इनका पूरा नहीं है, अधूरे सारे कार्यों का, मेट्रो का क्रेडिट लेना चाहते हैं, मेट्रो चली नहीं है, स्टेडियम वहाँ अधूरा पड़ा है उसका इन्होंने उद्घाटन कर दिया, कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं, सिर्फ इन्होंने प्रचार सीख लिया और प्रचार करने लगे, काम बोलता है, काम हुआ कहाँ? को एक काम पूरे प्रदेश में अगर पूरा दिखा देंगे तब इनसे बात की जाए। बताइए एक काम। देखिए, बहुत साफ सी बात है, एक्चुअली मैं भ्रम फैलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, साफ बात हो तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मेट्रो की बात है, आपने भी कहा मेट्रो में मैं किसी को बैठते नहीं देखा, लेकिन सवाल इस बात का था कि जो मेट्रो का ट्रायल का उद्घाटन हुआ और ये कहा गया ट्रायल का उद्घाटन हुआ था, ट्रायल का ही उद्घाटन हुआ था। अच्छा, पता नहीं था लोगों को? सुन ली, सबको पता है, सबको पता है, ये विरोधी दल के जो लोग हैं तो आप कर रहे हो जनता को, काम नहीं दिखा रहे हो, आप कर रहे हो जनता को, अरे आप काम दिखाओ जनता बोलना शुरू कर देगी। आरिफ महमूद जी जरा आराम से बात करिए, आपके नेता को अगर मौका मिल गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कृषि मंत्री बन गए होते और अभी उनकी उन्हीं के तलवे चाट रहे होते। हमको वो ना बताओ कितना किसानों के लिए काम किया, ये हमको ना बताओ, जनता को ना बताओ। मैं बता देता हूँ आपने क्या किसानों के लिए काम किया, मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपने चीनी मिल मालिकों का कर्जा माफ कर दिया, मैं बता कर दिया ना,
पूरी बात आने दीजिए। और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, पूरी बात मैं एक एक चीनी मिल एक एक चाय के मिले का हाल बता दूंगा। ब्याज को भी माफ करने का पाप इन्होंने किया है। अरे गन्ना किसान का मूल्य उसका, उस पर कर्जा करते, उस पर ब्याज उसका, और माफ करने वाले ये हाईकोर्ट के मुंह की खाए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ऋण माफ कर रहे थे और 48,000 करोड़ रुपया सेंक्शन कर दिया किसानों को और ऋण दे देंगे। ये 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये वो लोग हैं जो किसानों की आय 2022 में दुगनी कर रहे हैं। ब्याज तक माफ कर दिया है, जबकि 2019 तक आपका कार्यकाल है। पार्टी फंड भी दे रहे हैं 2019 तक। ये गन्ना किसानों का ब्याज माफ करने वाले कौन होते हैं? साफ सी बात है, ये गन्ना किसानों के साथ छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। इनको पहचान चुकी है। चलिए मैं पब्लिक से सवाल लेता हूं। इनको मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, मतों के माध्यम से देगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो सरकार है, पूरे 5 साल आपकी सरकार रही है जो अभी चलती आई है, बाकी विद्वान लोग बात कर रहे हैं कि बड़ा काम हुआ है, खैर आप लोगों के यहाँ काम तो नहीं हुआ, ये बात सही है, आधे आधे काम सारे पड़े हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कानून व्यवस्था है आपके यहाँ, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो इतना ध्वस्त हो चुका है, क्या इससे ज्यादा और भी होने की अभी संभावना है? अभी मुझे तो लगता है कि प्रबल संभावना है, ये और ध्वस्त होगा, और नीचे गिरेगा, वकीलों की हत्या हो जाती है, लड़कियों की हत्या हो जाती है, गैंगरेप हो जाते हैं, तमाम सारी चीजें, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए बहुत आपसी बात है, जितना काम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अखिलेश यादव जी ने किया है, उतना काम तो पूरे देश में कोई सरकारें नहीं कर रही। यहाँ 1100 पुलिस को गाड़ियाँ दी गई और 1157 एम्बुलेंस भी दी गई, इसलिए दी गई कि अगर कोई भी वारदात हो जाती है तो 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच मतलब वारदात के बाद का इंतजाम कर दिया आपने। देखिए पूरी बात वारदात के बाद का इंतजाम, समस्या यही है कि आप पूरी बात ही नहीं सुनना चाहते, ना पूरी बात आने देना चाहते। यही साफ है, वारदात के बाद शुरुआत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने ऐतिहासिक बात कही है, इतिहास आज उन्होंने बीजेपी से कहा है कि कोई एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बताओ अतीक अहमद के मामले की जांच कराए। अतीक अहमद को पूरा संरक्षण इन्होंने दे रखा था, सारे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण इन्होंने दे रखा था, लखनऊ में पेशेवर अपराधियों को 40% अपराधी आज चुनाव लड़ रहे हैं और लखनऊ में आपको प्रत्याशी नहीं मिले, लखनऊ में प्रत्याशी नहीं मिले, कांग्रेस के लोगों को प्रत्याशी बना करके क्या तकलीफ दिखाना चाहते हैं? सरकार को अगर याद हो तो 3400 का ग्राफ था 2014 में रेप केसेस का, आपको अगर याद होगा, आपके पास तो काफी गुणा भाग होगा, और 5 सालों में वो रेप केस का जो ग्राफ है वो बढ़ के 10,000 हो गया है। काम नहीं बोलता है, काम देव बोल रहे हैं, बताइए। नहीं देखिए बहुत साफ सी बात है जी, जितना काम साफ ही तो नहीं है। एक मिनट रुकिए, जरा तसल्ली रखिए, ज्ञानशील एकता वाले दल के लोग हो। नहीं नहीं बिल्कुल, संयम से रखो, 11 मार्च के बाद, बिल्कुल 11 मार्च के बाद सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, समस्या तय कर देगी। 11 मार्च के बाद ऐसे सड़कों पर रहिएगा, लोग हो सकता है पत्थर भी मारे आपको। बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके की स्थितियां हैं, 100 नंबर अगर मिश्रा जी क्या धमकी दे रहे हैं क्या बीजेपी को? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, इनको सही बात बता रहे हैं, इनको सही बात बता रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी तो संसद में लोगों के बाथरूम को देख रहे हैं, इनसे इनसे क्या बहस की जाए? लेकिन हाँ, जरा जवाब देना चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। नहीं, मेरे सवाल का जो एक महिला ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए 100 नंबर अगर बहुत मजबूत करने का काम किया उत्तर प्रदेश में, क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ा? अगर पूरी बात ही नहीं आप आने दोगे, सवाल यही है, बात आने दीजिए ना। ये सवाल यही उसी क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ा? देखिए बहुत साफ सी बात है, क्राइम का ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है कि मनुष्य में आज उस तरीके की स्थितियां भी रह गई, उनको भी सुधार करने की जरूरत है, उनको भी सुधार करने की जरूरत है, लोगों को सुधार करने की जरूरत है। मैं पूछता हूं, क्या लोगों को सुधार करने की जरूरत है? सुल्तानपुर के विधायक ने रेप पर आरोप, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर, मैं आपसे सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक्सक्यूज मी सर, आप एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने मेट्रो की बात की और यहां के परिवहन से रिलेटेड समस्या की बात की, मेट्रो तो बन रहा है लेकिन मेट्रो में आधे से ज्यादा पैसा तो केंद्र सरकार का है, तो उसमें आपका कितना योगदान है? देखिए एक बात बता दें, किसी भी डेवलपमेंट में चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, वो जनता का ही पैसा लगता है। केंद्र की सरकार की बात नहीं होती, 60-40 का जो रेशियो होता है उसी आधार पर होता है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उसकी शुरुआत की, और मैं समझता हूं कि जितने जल्दी समय में काम हुआ है उतनी जल्दी समय में पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, और मेट्रो आज मजबूती से खड़ी हो गई है लखनऊ में, और सब लोग यहां मेट्रो से ही आए हैं, नहीं यहां से बुलेट से आए, बुलेट ट्रेन से आए भाई।
यहाँ से बुलेट ट्रेन से आए, और जो आखिरी लाइन है, जो आखिरी लाइन है, जो कह रहे थे आखिरी लाइन लग रही, जो बैंकों में आखिरी लाइन लगेगी लगी थी वो अब लगने वाली है, ये वोट के आधार पर जो बैंकों में आखिरी लाइन लगी थी नेताजी कह रहे थे वो अब गुजरात में एक वोट के आधार पर गुजरात में इनकी विकास की, जो ये विकास की बात करते हैं सबका साथ सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोग, गुजरात में 2004 में अहमदाबाद मेट्रो का डीपीआर बना, राकेश जी भी डिबेट में जाते हैं इनको पूरी जानकारी होगी, बहुत सारे लोग हैं मीट पढ़ते रहते हैं, 2004 में मीट डीपीआर बना अहमदाबाद मेट्रो का, 2008 में उसकी वित्तीय स्वीकृत हुई, आज तक काम शुरू नहीं हो पाया, आज तक पूरे गुजरात में किसी भी शहर में मेट्रो नहीं है, ये क्या बताएंगे मेट्रो के बारे में, क्या बताएंगे जाम के बारे में, समस्याएं होती हैं, विकास आप करेंगे तो समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ लोग मेट्रो से नहीं आए, ठीक है, लेकिन आएंगे, हो सकता है कि हम लोग अगली सरकार में मेट्रो से चलेंगे, मैं जवाब दे देता हूँ, अंशु जी की बात का जवाब दे देता हूँ, और जो रही बात रेपिस्ट की, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से लगातार साक्षी महाराज और आगे भी लगातार साक्षी महाराज एक साल जेल रेप के आरोप में तिहाड़ जेल में रहे हैं, जो ये रेप की परिभाषा बताते हैं, लखनऊ का सवाल उसके बाद इन्होंने उन्नाव से टिकट दिया, लखनऊ का सवाल पूछ रहा हूँ, रेप और मर्डर के मामले क्यों तेजी से बढ़े इसका जवाब बता दीजिए, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, दोस्ती तो आप ही की है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास और दस दिन पहले तक आप ये गाना गाते थे बताने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, जिस तरीके से प्रथम चरण में आप सवाल का जवाब ही नहीं देते और ये बाथरूम तक जाना शुरू कर दिए, आप सवाल का जवाब नहीं, मुझे बताइए काम छोड़ के सारी बातें कर रहे हैं, 15 दिन पहले तक यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी, कांग्रेस कहती थी, आज आप उस पर हैं टिके हुए, देखिए हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम की बात नहीं है, पब्लिक को गठबंधन की, पब्लिक को जवाब देते हैं, गठबंधन की अपनी शर्तें, क्या गठबंधन की शर्तें ये कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी तो अच्छी हो गई, महिलाओं को सुरक्षा, क्या ये गठबंधन की शर्तें थी कि काम नहीं हुआ अच्छा हो गया काम, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए स्पेशल फोर्स की बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक बिंदु है, क्या हालात है, दूसरा आगे आगे की जो बात बात है, अभी हालात क्या है पहले एक लाख नए सिपाहियों की भर्ती, ये भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, लखनऊ के हालात ठीक है क्राइम के मामले में, देखिए अपराध ऐसी चीज है कि मैं ये नहीं कहता हूँ, आप तो प्रवचन की तरह जैसे संजीव जी बोल रहे थे कि ये लोगों की गलती है, नहीं प्रवचन नहीं, आप देखिए लाइन ऑर्डर को लेकर आप देखिए कि अगर 100 नंबर पे आप फोन करते हैं, अगर 2 मिनट में गाड़ी वहाँ 5 मिनट में गाड़ी नहीं पहुँचती है, मैं वही सवाल पूछ रहा था, बात की बात है, अपराध बताइए, जो करोड़ों की लूट हुई एटीएम से, इसके बाद आपने मोहनलालगंज का आप देखा हादसा किस तरीके का था, यहाँ पर अभी व्यापारी श्रवण कुमार उनकी हत्या हो गई, यह आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, मैंने कहा कि जो भी गठबंधन में शर्तें हैं लाइन ऑर्डर हैं तो आप हमारी लाइन ऑर्डर की भी शर्त है, हम गठबंधन में शर्तों के साथ, अगर गठबंधन हो गया तो लाइन ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो जाएगी क्योंकि उसमें शर्त है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, अरे ये सब ऐसे ही बोलते रहेंगे समाजवादी और कांग्रेस के लोग, ना कहीं अपराध दूर हुआ है और गठबंधन सुनिए, गठबंधन इनका एक मजबूरी है, इन्होंने मुस्लिम वोट बचाने के लिए गठबंधन किया है समाजवादी ने, बिना पेंडी का लोटा है राष्ट्रीय लोकदल कहीं भी लुढ़क जाएगा, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में सारी चीजें घोषणा पत्र से बढ़ करके मैंने काम कर दिया है, घोषणा पत्र मुजफ्फरनगर का दंगा इनके घोषणा पत्र में नहीं था और इन्होंने बीजेपी ने मिलकर के घोषणा पत्र का काम किया है, और जो घोषणा पत्र में इनके था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा वो घोषणा पत्र में इन्होंने नहीं पूरा किया है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र चित्रण है, आप देखिए का लोटा है बहुत ज्यादा, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बारे में 27 साल यूपी में हाल की बात कर रहे हैं, बिना पेंडी का लोटा तब आपको समझ में नहीं आया था जब केंद्र में मंत्री थे अजीत सिंह, तब आपको समझ में नहीं आया था, तब इनको समर्थन की जरूरत थी, अभी भी गठबंधन की राह तलाश रहे थे, गठबंधन मजबूरी हो जाती है, ऑफर किया था सर, ये बताइए एक सवाल का हमारे जवाब देते, एक सवाल हमारा ये बता, पार्टी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया चौधरी अजीत सिंह जी ने, तो उस पे आप क्या बोलेंगे, कृषि मंत्री कांग्रेस के साथ नहीं बिताया क्या, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ नहीं बिताया, उत्तर प्रदेश में गठबंधन में चुनाव भी लड़ चुके हैं जनाब, नहीं कांग्रेस के साथ नहीं बताया क्या, क्यों नहीं बताया जी, तो फिर आप ऐसी बात मत बोलिए ना जिनका साथ ले चुके हैं आप, कम से कम एक सवाल, आप कोई सवाल इधर से बोलिए, मैं समाजवादी पार्टी जी उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये
जाम की बात करते हैं और यहीं पे एक पुल है जिसकी वजह से यहाँ पे 1090 चौराहे पे आपके हमेशा जाम लगा रहता है और वो 10 महीने से बंद है और इवन पॉलिटेक्निक वाला पुल भी 2 सालों से बंद है, अभी तक सिर्फ वन वे चल रहा है वो। बताइए। देखिए बहुत साफ सी बात है, जिस पुल की आप पॉलिटेक्निक के बात कर रहे हैं वो भारत सरकार के अधीन है, वो भारत सरकार उसको इसलिए नहीं ठीक करा रही कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब हो जाएगा और लोग यही सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये काम है, इसलिए मैं बहुत साफ सी बात कह दूं, ये केंद्र सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करती ये उसका एक उदाहरण है। और बाकी बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से महंगाई को कम कर रहे थे, बड़े बड़े विज्ञापन आपने देखे थे, हाई महंगाई, डायन महंगाई, मार डाला, आज कौन सी महंगाई। मेरा सवाल सुनिए, अपर्णा यादव ने मोदी की योजनाओं की बड़ी तारीफ की थी, स्वच्छ भारत एंड टॉलरेंस पर बड़ा सपोर्ट किया था, समाज करते हैं समाजवादी लोग, जो अच्छा काम आप करोगे तो निश्चित रूप से उसकी तारीफ होगी, लेकिन जिस तरीके से जुमलेबाजी करोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सर्जिकल स्ट्राइक देना जानती है और आने वाले समय में 19 तारीख को लखनऊ की जनता सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, अरे लखनऊ में तो आपको प्रत्याशी नहीं मिले, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आपके पास, आप क्या बात करते हैं, इनके इन तर्कों को खारिज करिए, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी पार्टी की सरकार है। 2019 में यही गठबंधन जब केंद्र में सरकार बनाएगा तो निश्चित रूप से पूरा देश बहुत दिन जुमलेबाजी पूरे देश सहली और सहली। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 2.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने बेरोजगारों के लिए और चिकित्सा क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां की हैं, बताइए। अब एक एक करके गिना दे तो थोड़ा सा समय दे दीजिएगा उपलब्धियों के बारे में जब बताना हो तो। हमने मुद्रा बैंक योजना के तहत 27 लाख युवाओं को 44,000 करोड़ रुपए बांटे हैं, मुझे लगता है कि केवल सरकारी नौकरी नहीं लोगों को नौकरी देने वाला बनाने का काम हमने किया, हमने लोगों के स्वावलंबी बनाया है, उनको स्वाभिमानी बनाया है। आप इसलिए सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, संजीव जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई 27 लाख लोग जब स्वरोजगार शुरू करते हैं, एक एक रोजगार में 10 लोगों का यदि रोजगार जोड़े, एक रोजगार में अगर 10 लोगों का रोजगार जोड़े तो 27 लाख लोगों ने जो लोन लिया है, 10 की जगह 20 जोड़ लीजिए ना, आप 10 की जगह 20 जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है, 40 जोड़ लीजिए। 2 करोड़ कोई भी लघु उद्योग होता है, 3 साल में कम से कम 10 करोड़ लाभान्वित होते हैं। रोजगार को लेकर किसने काम किया? हाँ, रोजगार के बारे में मेरा एक भारतीय जनता पार्टी सवाल है कि यहाँ पे जो नौजवान बैठे हैं ये बतावें, मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, यहाँ पे कितने नौजवान हैं जो 2 करोड़ के अंतर्गत रोजगार लेकर के आए हैं? वहाँ मैं पूछता हूँ, मैं युवाओं से पूछ लेता हूँ। झूठ की सरकार है ये, सिर्फ झूठ और पुलिंदे की सरकार है जो नौजवानों को गुमराह कर रही है इस देश के अंदर। मेरा क्वेश्चन है आपसे, बीजेपी वालों से, कि आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, मैं आपसे पूछा जाता आप लोग 3 साल में क्या काम कर दिया? 3 साल में आपने नोटबंदी काम कर दिया, वो एक बहुत बड़ा काम हो गया आपका। आम जनता इस नोटबंदी से परेशान है और आप कहते हैं कि हमने 3 साल में बहुत ज़्यादा काम कर दिया, और आप देख ही रहे हैं कि जैसे लखनऊ मेट्रो, आगरा एक्सप्रेस वे, आपका बगल में गोमती रिवर फ्रंट है जो मुख्यमंत्री जी लंदन गए थे उसके तर्ज पर बन रहा है, और आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, और आपके प्रधानमंत्री जी ने एक बार में आपके सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो, आपके प्रधानमंत्री बिल्कुल है, प्रधानमंत्री जी ने जब रामाबाई अंबेडकर मैदान में उनकी जब 2014 में रैली हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करूंगा, आज कहाँ है डेवलपमेंट का मुद्दा, आप हमें बताइए कहाँ है, तो राम मंदिर का जिक्र कर देते हैं आप। बता देता हूँ, बोलिए बोलिए। विकास को हमने परिभाषित किया है, वी मतलब विद्युत, का मतलब कानून व्यवस्था, और सा मतलब सड़क। विकास के मामले पर आप देखिए अंशु जी जवाब देने दीजिए, अगर आप प्रश्न पे जवाब नहीं देने देंगे तो इसका मतलब आप बहस नहीं होने देना चाहते हैं, आप जानबूझ करके मुद्दों को डिरेल करना चाहते हैं। मैं इसीलिए आप एक एक इन्होंने जो प्रश्न उठाए मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है, आज गरीब के घर की झोपड़ी से धुआं हटाने का काम हमने किया है, उत्तर प्रदेश में 50 लाख गरीब घरों में हमने गैस चूल्हा पहुंचाने का काम किया है, ये पहुंचाया है गरीब के घर में हमने गरीब के घर में आज चूल्हा पहुंचाने का काम किया है। आपने कहा कि कितना काम किया है, 73 किलोमीटर एक दिन में सड़क बनती थी, 73 किलोमीटर एक दिन में सड़क बनती थी, आज 133 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम किया है, ये कमिटमेंट हमारा है। लखनऊ से कानपुर जाते थे और जाजमऊ के बाद कानपुर पहुंचने में जितना समय लगता था, हमने आज बना करके सांसद यहीं के हैं। मैं पूछूंगा सवाल, पब्लिक से लगातार
द्वारा मुखातिब हो रहे हैं, इसके अलावा यहाँ के प्रतिनिधियों से जवाब भी ले रहे हैं। क्या बुनियादी जरूरतें थी, जो दिक्कतें थी उन पर सरकार कितना काम कर पाए, इसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। यहाँ पर संजीव जी सबसे बड़ी दिक्कत जल भराव की है। मैं अगर कुछ इलाकों का जिक्र कर दूं तो जैसे फैजुल्लागंज है, जानकीपुरम है, एलडीए ने जो नए इलाके बसाए हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा दिक्कत आई, भर जाता है पानी। पांच साल में आप ये भी नहीं दूर कर पाए? नहीं, भर जाता था पानी, कहिए अभी नहीं भरता है? तो अब तो पूछ लूं मैं क्या जनता से? हाँ बिल्कुल पूछिए, पूछ लूते हूँ। बोलिए बोलिए जी। पानी भरता, और मेरा सवाल बीजेपी वालों से ये है, पानी भरता है पहले आप बताइए। अभी बरसात नहीं आई, ये साल भर पहले की बात कर रहे हैं, आने दीजिए बरसात को। पानी भरे तो बताइएगा। नहीं, पांच साल में पानी नहीं भरा क्या? नहीं, जब पानी भरता था तब भरता था, वहाँ बेहतरीन अखिलेश अभिषेक मिश्रा घड़ा भर गया है और घड़ा फूटने वाला है। अभिषेक मिश्रा, अरे आप ही के विधायक है ना उधर से, आप ही के विधायक जी ने वहाँ पर बढ़िया नाली बना दी है, नाला टाइप का बनवा दिया है और उसके ऊपर कवर जा रहा है। क्या पानी नहीं भरता है? जल भराव की दिक्कत नहीं? आप का घड़ा किसका भरा है? मैं पूछ रहा हूं, बताएगी जी। बोलिए बोलिए। जो महंगाई की 200 रुपए की अरहर की दाल खा गए। संजीव जी, आप जवाब में देते हैं मेरे सवाल का। बोलिए, मैंने आपको दिया जवाब। पानी भर रहा है, कोई समस्या कहीं दूर नहीं हो रही है और इन लोगों की गवर्नमेंट निसंदेह जाने वाली है। मैं भाजपा के प्रवक्ता, पानी भर रहा है इसलिए जाने वाली है? नहीं, सारे किसी भी क्षेत्र में अगर समाजवादी पार्टी के कार्यों का मूल्यांकन किसी भी क्षेत्र में होगा तो ये असफल ही मिलेंगे। नहीं तो आप जो बीएसपी की गवर्नमेंट रही, अगर उसने दिक्कत दूर कर दी होती तो आज ही नौबत क्यों आती? अरे आप सरकार, हमारी सरकार आएगी तो दूर की जाएगी, जितनी नहीं, पहले आएगी तब दूर नहीं किया। बहुत काम हुए, बहुत दूर हुए। कहाँ दूर हुए जी? बहुत दूर हुए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। जल भराव से दलदल हो गया है और उस दलदल में कमल खिलने वाला है, क्योंकि कमल हमेशा दलदल में खिल जाता है। उस दलदल में कमल, आपके मेयर इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि पानी भरेगा तो कमल खिलेगा। देखिए, 74वां संशोधन अब तक लागू नहीं किया गया है। ये बताइए, मेयर को अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दिए गए हैं सवाल? इन्होंने तो मेयर को हटाने की साजिश, जवाहरलाल नेहरू 15 साल से मेयर है आपके, सारे सभासद आपके हैं और कर कुछ पाए नहीं तो रपट पड़े तो हर गंगे। देखिए, मैंने इसी गंगा ने हमें बुलाया, पिछली सरकार में गलत बात कह रहे हैं। पिछली सरकारों में, पिछली सरकार में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिवोल्यूशन मिशन में JNNURM के अंतर्गत 800 करोड़ के विकास कार्य लखनऊ में कराए गए। सारे जितनी अवैध कॉलोनी थी उनमें सीवर डाला गया और नाली बनाई गई। 350 करोड़ का नाला लखनऊ में बना है अभी इन्हीं 2 सालों में। आज भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ, सब परेशान है। लेकिन सुनिए, 50 करोड़ जब से 3 साल से हो गया, ठेकेदारों को 3 साल हो गए, लगभग 3 साल हो गए मोदी जी की सरकार को भुगतान नहीं हुआ है। इन्होंने नाम बदलने का काम हुआ है, भुगतान नहीं हुआ। 3 साल हो गए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कमीशन नहीं पहुंच पाया, 3 साल हो गए जाता तो भुगतान भी हो जाता। 3 साल हो गए हो रहे सरकार। अच्छा मैं बताता हूँ, पार्टी वो केंद्र का पैसा था जिसका भुगतान नहीं हुआ। 3 साल हो गए, इन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया, 1500 करोड़ रूपए गंगा जी में चला गया, गंगा जी साफ नहीं हो पाई, भाजपा जरूर गंदी हो गई। दूसरा अटल बिहारी करके इन्होंने अभियान चलाया नाम बदल के JNURM का, 1 रुपया 3 साल में लखनऊ को नहीं दिया। सिर्फ भाषण दे रहे हैं, भाषण सिर्फ भाषण। 7200 करोड़ रुपए अमृत सिर्फ कागज पे और भाषण पे, 1 रुपए का काम 3 साल से नहीं हुआ। आप पूछिए हमारे मित्र के सवाल। मेरा राष्ट्रीय लोकदल के आरिफ मोहम्मद साहब से सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं कहीं जनता को ऐसा लगता है कि वो भाजपा जो है कभी कभी संघ की भाषा बोलने लगती है, जैसे ट्रिपल तलाक के मसले पे, यूनिफॉर्म कोड पे। तो उसमें आरिफ महमूद साहब से पूछना चाहूँगा, उस पर आपकी क्या सहमति है और बाकी जो भाजपा के प्रवक्ता उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए, आप बोलिए। ये 3 तलाक के मामले में जो हमारे साथी पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये नारी डिग्निटी की बात है, तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की इस देश के अंदर डिग्निटी की बात नहीं है, आत्मसम्मान इस देश की सारे महिलाओं के लिए है। अगर ट्रिपल तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं के लिए ये सम्मान देने की बात की जा रही है तो देश की एक सर्वोच्च महिला जो मोदी जी की बीवी है, बहन यशोदा बेन, उनको क्यों नहीं सम्मान मिलना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? ये चल करके क्यों नहीं उस महिला को सम्मान दिलाने की बात करती हैं, करते हैं? ये 3 तलाक के मामले में कोई नई चीज देश के अंदर नहीं आ रही है। 3 तलाक के मामले में पहली बार इतना झूठा प्रधानमंत्री पाया है।
कि जिसने 2003 में अपने नामांकन में लिखा मेरी शादी नहीं हुई, 2008 में लिखा मेरी शादी नहीं हुई, 2014 में लिखा मेरी शादी हुई, पहला झूठा प्रधानमंत्री इस देश को मिला। बहुत दुर्भाग्य है, लोगों को छलने का काम किया है। बोले राकेश जोली, एक कहावत है नवाबों के शहर में, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी को आपत्ति नहीं है, इनको ज्यादा पीड़ा है, इनको ज्यादा पीड़ा है। सारी परिभाषाएं आप खुद बनाएंगे, चाहिए कि सारी परिभाषाएं आप खुद बनाएंगे। पर कांग्रेस के लोग बताएं, कांग्रेस के लोग सारी परिभाषाएं आप बताएं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि निजी हमलों से बचकर विकास की बात करें ज्यादा अच्छा। आप सभी लोग बोले, सुन लीजिए आंसू जी, विकास की बात। कांग्रेस के लोग, मेरा सवाल बसपा से है कि इन्होंने कहा कि गुंडा राज खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने जब मुख्तार अंसारी को, उनके लड़के को, भाई को टिकट दिया, तब गुंडा राज इनका कहां गया? खत्म है, माफी से पूछ लेता हूं। उनका लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है, पहली बात तो ये जान लीजिए, और उनके घर में बहुत से खिलाड़ी हैं, राष्ट्रपति के खानदान से। आप लोग सिर्फ ये देख रहे हैं मुख्तार अंसारी को कि वो क्रिमिनल। गठबंधन से पहले क्यों मायावती जी बोलती थी? गठबंधन से पहले कहीं अंसारी बंधुओं को लेकर के, और हमारे यहाँ जब भी कोई गलत काम हुआ तो उसकी सजा दी गई है। अब लोग कह रहे हैं कि पहले माफिया नहीं थे, पहले माफिया थे, अब माफिया नहीं है। अरे भाजपा और बसपा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। पहले गलत जानकारी है, गुमराह हमारा ये सपा, सपा के प्रवक्ता से हमारा क्वेश्चन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि काम बोलता है, वो कह रहे हैं, लेकिन एक एटीएम पे 3 लोगों का हत्या होता है और कहे कि 15 दिन में इनके अपराधी पकड़े जाएंगे। आज 15 महीना हो गया, वो कहाँ है? गृह मंत्रालय उनके पास, विद्युत विभाग उनके पास, बताइए सब क्या हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जगह जगह पर बलात्कार, हत्या, यही काम बोलता है, यही विकास है। संजीव जी देख रहे हैं गुस्सा, देखिए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मैं हूँ, तो किसी दूसरे की ओर गुस्सा मत दिखाइए, वो मुझे लगता है बसपा के हैं प्रवक्ता। हाँ वो गोल्ड मेडलिस्ट वाली जो बात कर रहे थे वो तो ठीक है, जवाब दे दीजिए। लेकिन जो आपने बात कही, जिस तरीके की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, देखिए बहुत साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बढ़िया कर नहीं, नहीं, मैं बताइए अगर अगर उस लूटकांड का खुलासा आज तक नहीं हुआ तो स्थिति परिस्थिति क्या है? किस लूटकांड की ये बात कर एटीएम में कि जो आप सरेआम जिन लोगों की हत्या, ये भूल गए और मोहनलाल डाली भूल गए, मोहनलाल गंजवाले का जो आपने दूसरी बार अब जिक्र किया, बता दूं वो वर्कआउट हो चुका है, उसमें जो अपराधी था उसको, वो कैसे वर्कआउट हुआ था जल्दी जल्दी हो सबको पता है। दो दूसरी बार आपने कहा, इसलिए आपको जवाब देना जरूरी। अब एटीएम वाले के भी बता दीजिए, एटीएम 15 दिन में वादा किया गया था, कितने दिन और लगेंगे? 15 दिन बहुत साफ सी बात है, मेरे पास इस समय उसके लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा कोई भी अरे ये मालूम होता हमको, आपको पता नहीं है लेटेस्ट डेवलपमेंट, आपको पता नहीं है लेटेस्ट डेवलपमेंट, आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? पता है क्या? एटीएम, एटीएम के बाहर किस तरीके से लूट हुई थी और किस तरीके से लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको पता है? तस्वीरें भी दिखा दूं क्या? आपको पता है लेटेस्ट तस्वीरें दिखा दूं क्या? ये मालूम होता, ये मालूम होता तो एसएसपी लखनऊ से पूछ करके मैं आपको बिल्कुल क्लियर स्थिति बताता, आप तो ऐसे भ्रमित करने का। चलिए आपको नहीं पता, सरकार को नहीं पता है, आपको पता है, ये आप बताइए मुख्यमंत्री का एक बार सरकार में तो इतनी बड़ी घटना का खुलासा आज तक नहीं हुआ, गंभीरता से लेता नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले भारतीय बसपा का कहना था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, लेकिन अब मायावती जी ने अपनी परिभाषा बदल ली है, गुंडे चढ़ गए हाथी पर गोली मारो छाती पर, ये परिभाषा है, यही है क्या है? और जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलगाववाद की बात करती है, जिस दिन इनको डर है, ये इसीलिए बात करते बीच बीच में कि हम आएंगे, डेट कभी नहीं बताएंगे, फलाना डिमका, इनको पता है कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो इनका नेस्तो नाबूद भाजपा मुक्त भारत होगा, भाजपा मुक्त भारत होगा। देखिए आप बसपा की बुराई कर रहे हैं, राहुल जी तो मायावती की तारीफ कर रहे हैं, स्वस्थ लोकतंत्र में पहली बार इतना शर्मनाक करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र में पहली बार इतना शर्मनाक बयान आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कि कांग्रेस की बात की, राहुल गांधी से लोग एक हो जाएंगे, भाजपा मुक्त होगा। राहुल गांधी से सवाल किया गया था संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा मायावती अच्छा काम करती है, ये कहा था ना, ये राहुल जी की भी बात नहीं सुनते, राहुल जी की बात पूरी तरह से अलग बात है, क्यों बातों पर हटा जाता है केवल राजनीति में, राजनीति में
हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन ये कहा कि मायावती जी का मैं सम्मान करता हूँ, काम की बात नहीं की। नहीं, काम को लेकर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव अच्छा लड़का है और काम करता, ये कहा था। मुझे लगता है आपको याद नहीं, अपने बाप को मिट्टी से हटा देने वाला लड़का अच्छा लड़का नहीं होता है। भारत में आदरों का भारत है, अपने बाप को मिट्टी से हटा देने वाला लड़का अच्छा लड़का नहीं होता है। अखिलेश यादव साहब आपके पास तो कोई है ही नहीं, भारत मानता है। आप तो बिना दूल्हे की बारात लेके निकले हैं, देखिए कहाँ जाती है। अरे आप दूल्हे की बारात निकलवाइए जिनकी बारात निकलवाने के दिन बीत गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो एक सेकंड जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध मुक्त का नारा दे रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष 16 मुकदमे में आपराधिक मुकदमे में लिप्त हो, वो उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त की बात कैसे कर रहा है? कौशाम्बी में हत्या का मुकदमा कायम है इनके प्रदेश अध्यक्ष ऊपर, इलाहाबाद में अपहरण का मुकदमा कायम है इनके ऊपर। चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र नहीं है, हम मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं है, हम आप अपराध मान लेंगे प्रदेश के अंदर, आप सारे अपराधियों को बुला करके पूरे देश की जनता को आप अपहरण करवा देंगे। आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, पुलिस के मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जनता की आवाज है, जनता की आवाज बनने पर मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जनता की आवाज बनने पर मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं और ऊपर मुकदमे होते हैं, मुकदमे झेलने पड़ते हैं। सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम समुदाय से कोई काबिल आदमी नहीं मिला कहीं से खड़ा कर देते आप? देखिए मुस्लिम कौन है, ब्राह्मण कौन है, ठाकुर कौन काबिल नहीं था। हमने कहा ना ये विश्लेषण करने की स्वतंत्रता आपकी है, आचार संहिता लागू है, हम किसी भी जाति समुदाय के आधार पर टिप्पणी न करते हुए लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। कौन जिताऊ है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, हम इसका फर्क नहीं करते। जिताऊ प्रधानमंत्री बोलते हैं रेनकोट बाथरूम जैसी बातें करती है, क्या एक प्रधानमंत्री को ये सब शब्द यूज करना गरिमा देता है इस पद पे? लगता है कि आप पढ़े एक अंशु जी जवाब सुन लेने दीजिए बोलने दीजिए बोलने दीजिए वो देखिए सवाल हुआ उनसे सवाल हुआ। ये समाजवादियों के साथ चार दिन रहते रहते हल्ला बोल वाले हो गए, ये चार दिन में समाजवादियों के साथ रह के हल्ला बोल वाले हो गए। अरे आप तो अच्छा बोलते थे भाई, कांग्रेस के लोग तो अच्छे थे, ये समाजवादियों के साथ रह के कैसे हो गए? आपको तो कभी अच्छे नहीं लगे ना वो? प्रश्न उठाया आपको कभी अच्छे नहीं लगे? मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। आप प्रधानमंत्री हल्ला कर रहे समझ नहीं पाए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना मतलब भ्रष्टाचार के छींटों से दूर रहना, वो बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नहाते हैं, पहली बार वो भ्रष्टाचार के बौछारों से बचने का दावा करते हैं, वो गरीब में भी नहीं है। चलिए सवाल लेते जल्दी। मेरा सवाल सर बीजेपी से है, यूपी का एक ही सिंगल सबसे बड़ा एजेंडा है, वो है एम्प्लॉयमेंट का। पूरे यूपी में कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बनारस साइड यूपी ईस्ट का सारा आदमी लखनऊ आ रहा है और लखनऊ से लेके यूपी वेस्ट तक का सारा आदमी दिल्ली जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है और सारा प्रेशर दिल्ली पर पड़ रहा है। पूरे यूपी में अगर थोड़ा एम्प्लॉयमेंट आ जाए तो हर आदमी अपने आप में एम्पावर हो जाएगा कि वो अपना ख्याल खुद रख सके। दूसरी चीज बहुत शॉर्ट में बस एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे सारे मुसलमान भाई भी मोदी जी के साथ हैं। अगर मोदी जी अगर ये अपना अश्योरेंस दे दें, मैं अगर मोदी जी अगर अपने मुसलमान भाइयों को ये अश्योरेंस दे दें कि सरकार में आने के बाद किसी को किसी भी जाति को, फिर वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसको कोई खतरा नहीं होने वाला है, तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में युवा होने के नाते मैं ये कहूंगा सब मोदी जी के साथ। बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आरिफ तिवारी, सब जवाब देने दीजिए, उसका प्रश्न बहुत अच्छा है, उस प्रश्न का जवाब आने दीजिए आरिफ साहब, इसको डिरेल मत करिए, उसका प्रश्न बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे देखिए, एम्प्लॉयमेंट आज युवाओं एम्प्लॉयमेंट युवाओं के लिए बड़ी समस्या है और एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में तब तक नहीं आ सकता जब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। कानून व्यवस्था खराब होगी, कोई उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि उससे रंगदारी मांगी जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे नहीं आएगी तो कोई उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य के शासन जहां पर है वहां पर 24 घंटे बिजली है, वहां अनुकूल वातावरण है निवेश का, इसलिए वहां रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। और दूसरी बात, आपने 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 जो बात मुसलमानों के संदर्भ में कही है, मुझे लगता है कि बहुत स्वागत योग्य बात है। जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर मुसलमान अपना धंधा अच्छे ढंग से कर रहे हैं और इसी नाते हज यात्रा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन गुजरात से और राजस्थान से आते हैं। मैं एक और बात साथ में कह दूं, एक भी काम ऐसा मोदी सरकार का बता दीजिए जिसमें मुसलमानों के लिए भेदभाव किया गया हो। हाँ हेलो, आप लोग जानबूझ करके। हाँ सर, हमारा सवाल बीजेपी से सर से है कि आप लोग सीएम पद के दावेदार का नाम क्यों नहीं सामने ला रहे हैं अभी यूपी चुनाव के लिए?
बताइए है बोलिए सरकार नहीं हमारे यहाँ इनके पास सरकार बनाने वाली स्थिति नहीं है, इनके पास प्रत्याशी नहीं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। लखनऊ में ब्रजेश पाठक बसपा से आए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता सीएम बनता है, कार्यकर्ता हमारे यहाँ सीएम बनता है, कांग्रेस से आए प्रत्याशी बनाया, हमारे यहाँ पास प्रत्याशी नहीं है। पब्लिक का सवाल सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, अभी तक हिंदुस्तान में कितना काला धन वापस आ चुका है सर बताइए। सरकार बनने के बाद, सरकार बनने के बाद संजीव जी अगर जवाब नहीं देते, देखिए एक तय कर लीजिए, अगर आपको देखिए जिनसे सवाल उनसे जवाब देंगे, आपसे भी सवाल होगा आप जवाब दीजिए, आप लगातार डिरेल करेंगे जानबूझकर, बोलिए बोलिए आप जवाब दे दीजिए। ठीक ठीक देखिए एक सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं इनका मैं इनके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। सरकार बनने के बाद 24 घंटे के अंदर जो सबसे पहला फैसला हमने किया था, उन्होंने ये पूछा है कि कितना आया है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, डेढ़ साल से जिस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के लटका रखा था यूपीए सरकार ने, हमने 24 घंटे के अंदर काले धन पर एसआईटी बनाने का काम किया, और नोटबंदी का फैसला उसी एसआईटी का रिकमेंडेशन का था। और सुन लीजिए, लगभग 60,000 करोड़ रुपए काला धन विदेशों से भारत में आ चुका है, 60,000 करोड़ रुपए भारत में काला धन वापस आ चुका है। नोटबंदी के बाद कितना आया, नोटबंदी के बाद कितना आया, स्विट्जरलैंड के नहीं, नोटबंदी के बाद लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए, 4.25 लाख करोड़ रुपए बैंकों में ऐसा जमा हुआ है जिसका हिसाब अभी नहीं है। देखिए ये लोग जानबूझ करके हल्ला बोलना करना चाहते हैं, हल्ला बोलने से आपका सवाल सवाल सुन लीजिए, यूनिवर्सिटी को शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, जब से सपा सरकार आई है तब तो गुंडागर्दी का गढ़ माना जाता है, मेरे बैच में जितने भी गुंडे लड़के थे 90% वो सब सपा के यूथ ब्रिगेड में अब नेता बने टहलते हैं। तो अब ये बताइए कि जो लोग गुंडागर्दी करेंगे अब उन्हीं के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर पकड़ाएंगे, बताइए, बहुत अच्छा सवाल। देखिए बहन जी, साफ बात कहना और साफ बात सुनना भी, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ, वहां पर होता यह था, एक मैसेज था, एक संदेश था कि छात्र संघ का चुनाव होगा, तमाम गुंडे अपराधी नौजवान साथी बढ़ जाते हैं, इसलिए छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया कि कोई गुंडा अपराधी ना रहे। और एक चीज बता दूं आपको, एक चीज बता दूं आपको, सुन लीजिए, पूरी बात आने दीजिए। अरे आप बेकार की बातें कर रहे हैं, आपको कुछ पता है नहीं। वो एक नौजवान साथी ने पूछा बेरोजगारी के बारे में, आपने उसको बताना चाहिए था कि 2014 में एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की मोदी जी ने बात की थी। सवाल कहीं और था, नौजवान साथी को आपने केवल जुमलेबाजी करके सवाल का जवाब दिया, केवल झूठ बोल के बैठा दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये इतने चुलचुला रहे हैं, इनके पास खुद कुछ है नहीं, ये क्या बात करेंगे? आप जवाब नहीं दे रहे संजय जी। मैं तो जवाब देने जा रहा हूँ, लेकिन सवाल इस बात का, ये सुनने की कोशिश तो करें, सुन तो रहे हैं। और ये बीच में पब्लिक का सवाल था, आपने जवाब ही नहीं दिया, मैंने तो बताना शुरू किया तो आपने सुनना ही नहीं चाहा, अब आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए, दे दीजिए। देखिए मैंने कहा बहन जी से कि छात्र संघ के चुनाव तब से नहीं हुए, ये एक कहावत थी कि छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो तमाम छात्र संघ चुनाव के देखते हुए तमाम हॉस्टलों में गुंडे और अपराधी भी आ जाते हैं और उससे होता है। बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके की स्थितियां हैं, एक भी गुंडा अपराधी और बदमाश यूनिवर्सिटी में है तो निश्चित रूप से आपको FIR लिखानी चाहिए, 100 नंबर डायल करना चाहिए, 1090 डायल करना चाहिए, 10 मिनट में पुलिस पहुंचती और 10 मिनट में गुंडों को बंद करती। बोलिए, आप क्या बात बोल रहे हैं संजय जी? देखिए मुलायम, जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी, इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आने के बाद छात्र संघ चुनाव कराएंगे, छात्र संघ चुनाव न कराने के बाद ऐसा बेशर्म बयान, नहीं लिंग दो, माफी मांगनी चाहिए, बेशर्मी तो भाजपा कर रही है, जो जुमलेबाजी कर रही है। नौजवान ने पूछा भाई परिवार कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी, क्या बात करते हैं? 2014 संजीव जी, मैं एक मिनट में सवाल, संजीव जी अब सवाल सुनिए, आपने वादा किया था ना छात्र संघ चुनाव के लिए, हाँ या ना? अब आप कह रहे हैं इसलिए नहीं कराया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप? लिंग दो की कमेटी, अब आप कैसी बात कर रहे हैं? दो बातें आप बोलते हैं भाई। मैं अपने कांग्रेस वाले बंधु से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो दिल्ली में पहले कहा था कि हम 15 विकास नहीं कर पाए 15 साल में, फिर उसके बाद आप यूपी में आ गए नारा लेके नया कि 27 साल यूपी बेहाल, तो ये अभी फिर आपने गठबंधन कर लिया इनके साथ, जो हत्या करवा देते हैं, रेप करके फिर हत्या करवा देते हैं सुल्तानपुर में, और उसके बाद आप कहते तो 5 साल वो कम कर देंगे, 22 साल यूपी बेहाल करेंगे, अब वही रहेंगे अपना 27 साल वाले पे ही रहेंगे। देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली का भी विकास आपने देखा होगा,
ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज जरूरत है इसलिए कि गठबंधन की कि वो लोग नहीं उनका जो विकास पांच साल मैं उसी में जोड़ रहा हूँ आज वो लोग जो बात विकास की करते हैं लेकिन आज वो ताकतें जो केंद्र में स्थापित हो गई तीन साल में एक भी काम नहीं किया विकास नहीं किया वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है उससे बचाने के लिए आज गठबंधन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश को एक नौजवान मुख्यमंत्री की जरूरत है। आप मुख्यमंत्री पे व्यक्तिगत कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। मेरा चैलेंज है इस बात का व्यक्तिगत मुख्यमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगा सकते। तीन साल में केंद्र सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया। आपसे मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ। अंशु जी आज जिस तरह जाति धर्म में बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं जिस दिन अंशु जी आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इनकी पॉलिसी को समझ जाएगा उस दिन भाजपा मुक्त भारत होगा। भाई साहब से पूछे कि लोक इसी मुख्यमंत्री के समय में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट को हटाना पड़ा क्यों हटाना पड़ा। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी तक सवाल है कि जैसे हमारे एक साथी मित्र ने कहा कि उद्योग और पर्यटन का आपसे चर्चा की प्रश्न किया और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को अगर जान माल की सुरक्षा मिल जाए तो उद्योग यहाँ पर लगाएंगे और हमारे नौजवान अन्य प्रांतों में नहीं जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बॉम्बे इतना बड़ा महानगर है देश का एक दिल कहा जाता है आर्थिक राजधानी कही जाती है देश की तो वहाँ अंडरवर्ल्ड की वसूली चलती है तो क्या वहाँ पर क्या उद्योग नहीं है क्या वहाँ नौजवानों का रोजगार नहीं मिलता है। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए आप जब मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई पोर्ट है मुंबई से निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं और मुंबई पारंपरिक तौर पे व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है लेकिन वहां अंडरवर्ल्ड जब जब हावी हुआ तब तब व्यापार प्रभावित हुआ और भाजपा की सरकार जब से वहां बनी अंडरवर्ल्ड के भी नाकों में नकेल डालने का काम किया है हमने। मैं कुछ इलाके एक और बेसिक समस्या की बात करते हैं एक बेसिक समस्या की संजीव जी दाऊद को ला रहे हैं संजीव जी जेल जाएंगे कब आएंगे जेल जाएंगे क्या गुजरात में आएंगे तब आप लेके आओगे। संजीव जी एक बेसिक समस्या और है 2019 में तो गुजरात पहुंच रहा है। संजीव जी एक मिनट आप गुजरात पहुंच रहे हैं। संजीव जी जो मुस्लिम इलाके हैं राजधानी लखनऊ में हम सफाई को लेकर के सवाल पूछते हैं चाहे खतरा की नखास की अकबरी गेट की करें इंदिरा नगर तरबोदय नगर खुर्रम इलाका जो है यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती बिल्कुल। जब मैं गया था तो वहाँ के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि आप ये सवाल जरूर पूछिएगा आप बताइए। देखिए बहुत साफ सी बात है लखनऊ में लगभग 90% इनके सभासद हैं और मेयर इनका है और जो इस तरीके की स्थितियां करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार बदनाम हो जिससे कि इनकी स्थितियां ठीक हो जाएं और मैं आपसे दावा करता हूं 2017 में 11 मार्च को रिजल्ट आने दीजिए 13 मार्च को जब अखिलेश यादव पर सवाल है आप कह रहे हैं ना सबसे ज्यादा सभासद थे मेयर भी आप थे खतरा की जो बात कर रहे हैं एक बड़ा इलाका ऐसा छोड़ दे रहे हैं आप लेकिन सफाई के नाम पर नगर विकास मंत्री आजम खान ने लगातार सहयोग किया फंड की हमेशा नगर निगम को कमी रही है नगर निगम को कभी अधिकार नहीं सौंपे हैं इन्होंने इसी नाते आज तमाम मुस्लिम इलाकों में ही फंड की कमी रही है क्या और एक और बात बता नहीं आप मुझे बताइए उन्हीं मुस्लिम इलाकों में ये दो शहजादे अभी निकले थे और पूरे लखनऊ ने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि ये दोनों शहजादे तार के नीचे से छुपकर निकल रहे थे वो तार इन्हीं विद्युत विभाग के थे लटके हुए तार इन्हीं विद्युत विभाग के थे और उसमें नगर निगम जिम्मेदार नहीं था इसके लिए संदीप जी को बताना। भाई साहब अभी आप कह रहे थे कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे भाजपा यहाँ से खत्म हो जाएगी। भाई साहब ये हिंदू मुस्लिम का तो मुस्लिम मुसलमान सुबह शाम आप लोग रटते हैं। दूसरी बात सपा प्रवक्ता से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हमने 5000 कब्रिस्तान मुसलमानों का बनवाए आपसे एक क्वेश्चन और है कि बताइए अभी आप कितने कब्रिस्तान और बनवाएंगे अभी तो आप 5000 बनवाए हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान कितने और बनाएंगे। देवकी नंदन पांडे पंडित जी एक चीज बता दूं सुन लो जरा जिस भी जगह पर कमी होगी कब्रिस्तानों में बाउंड्री नहीं थी समाजवादी सरकार और अखिलेश यादव जी ने वो काम किया इसमें मजाक बनाने वाली बात नहीं है। जो मंदिर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे क्या आप घंटा बनाया अभी तक और जो छोटे छोटे मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया अयोध्या में जो छोटे छोटे मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया। बहुत साफ सी बात है संजीव जी बहुत साफ सी बात है जिस तरीके से जुमलेबाजी की गई भाषा को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। देखिए जिस तरीके की स्थितियाँ आई आपकी भाषा को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। बहुत
मैं बता रहा हूं आपको, ये हमेशा यही काम करते हैं। राकेश जी बोलिए, राकेश राम आएंगे और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश जी बोलिए, संजीव मिश्रा जी की पार्टी मुर्दों में भी हिंदू और मुस्लिम देखती है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बने लेकिन हिंदू संस्थान स्थल उजाड़ बियावन पड़ा रहे, ये मुर्दों में हिंदू मुसलमान देखते हैं। ये पार्टी की राजनीति करने वाले लोग हैं, कुश्ती की राजनीति करने वाले लोग। भाजपा के प्रवक्ता से सवाल है, अब ये बताइए जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करवाई थी उसके बाद भी हमारे 50 सैनिक मारे गए हैं और उनके गले काट के ले लिए गए हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों मिलने गए थे नवाज शरीफ से उनके बर्थडे पर बिना बताए? बताइए, चलिए आखिरी सवाल है, समय की कमी है, जवाब दीजिए। आपने बहुत संजीदा प्रश्न किया है और मुझे लगता है विदेश नीति से जुड़े इस मसले को अपनी संजीदा से सुना जाना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी सीमा पर हत्याएं होती थी, सैनिकों के सिर तब भी कटते थे, लेकिन यह पहली बार है कि राजनीतिक नेतृत्व ने इसकी जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के मारने का काम किया है। यह पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है और राजनीतिक नेतृत्व ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जहां तक बात रही नवाज शरीफ के साथ मिलने की, तो हमेशा डिप्लोमेसी साथ साथ चलेगी। हम पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, ये हमारा कमिटमेंट है, लेकिन हम भारतीय कीमत पर संबंध नहीं सुधारेंगे, इसका जवाब पत्थर से देंगे। अंशु जी, राकेश जी, संजीव जी माफ कीजिएगा, समय की कमी है। लखनऊ की जनता ने बहुत बेबाक तरीके से सवाल पूछे हैं और जाहिर तौर पर ये जवाब पब्लिक को देना है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 11 तारीख को आएगा और क्या होगा पब्लिक किसे चाहेगी ये तय कर देगी। सिंहासन में लखनऊ के लिए फिलहाल आज की इतना ही, कल मिलेंगे आपसे इसी समय पर बाराबंकी में। नमस्कार।